मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एवं भाकपा माले की ओर से मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म मामला, पूर्णिया के कस्बा में एक गुंगी लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के साथ साथ अन्य जिलों में लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं और गिरती शासन व्यवस्था को लेकर पूर्णिया में विशाल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समर्थक एवं आमजन शरीक हुए थे। इस दरमियान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव सिंह ने कहा कि बिहार में गिरती शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार में छोटी छोटी बच्चों के साथ सरकार के घर में दुष्कर्म हो रहा है और लगातार घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। आज हम लोग पूरे बिहार में वाम दलों के जितने भी लोग हैं और उनके सहयोगी दलों के लोग पूरे बिहार में आज मानव श्रृंखला बना रहे हैं और हम लोगों का मांग यह है कि बिहार में हमारी बेटी बहन बहू सुरक्षित नहीं है। आज हमारी बेटी बहन या बहू शौच के लिए भी जाती है तो उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है। आज मुजफ्फरपुर में जो अनाथ बच्चियां हैं उसके साथ रोज बलात्कार हुआ रहा है। इस बिहार का नेता मंत्री बड़ा बड़ा अफसर रसूखदार लोग उसमें शामिल है जिसको कि गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और वहां जो जांच चल रहा था शुरू से निष्पक्ष जांच उसको हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नानन फानन में बदली कर दिया गया। हम लोग मांग कर रहे हैं इस तरह के कार्रवाई पर रोक लगावे और इस कुकृत्य में जितने पदाधिकारी जितने नेता शामिल है सबों को गिरफ्तार करो, ब्रजेश ठाकुर को फांसी दो। साथ ही साथ आज आरा के इसमें मिहिया में महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया, दलित महिला को, उसका अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहा है, उल्टे उन लोगों पे केस करके उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज पूर्णिया में एक गूंगी लड़की को जो अपाहिज है आज सदर अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रही है, उसका सामूहिक दुष्कर्म या कस्बा में किया गया। इस पर कोई नेता चुप नहीं, आज कोई संगठन कुछ नहीं बोल रहा। कहाँ गए आज जो हल्ला कर रहे थे ये आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग बेटी बचाओ का नारा देते थे, आज एक विकलांग लड़की हॉस्पिटल में मर रही है, आज उस सवाल पे कोई बोलने वाला नहीं है। कल सहरसा में एक छात्रा के साथ सामूहिक छेड़छाड़ हुआ है, आखिर इस सरकार में क्या हो गया? रोज आए दिन बिहार में रोज घटनाएं हो रही है और आप महिला संरक्षण की बात कर रहे हो? कहीं हमारी माँ बहने महिला सुरक्षित नहीं है? सबसे ज्यादा अत्याचार दलित और आदिवासी पर किया जा रहा है। हम मांग करते हैं अगर आप सरकार नहीं चला सकते हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो अविलंब नीतीश और मोदी इस्तीफा दे, नहीं तो वामपंथी लोग और उनके साथ जितने सहयोगी दल हैं हम लोग मिलकर आपके कुर्सी को चूल हिला देंगे, सत्ता गिरा देंगे। हम लोग आज यहाँ से चेतावनी दे रहे हैं। वहीं भाकपा माले के ललन सिंह ने भी राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग की। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। बलात्कार का दस्तूर जो भाजपा का बन गया है, आज हम लोग उसका सख्त विरोध करते हुए रोड पर उतरे हैं। पूरे बिहार में मानव चेन बनाया गया है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग का डिमांड है मुख्य रूप से कि अपराध कर्मियों को जो ये बालिका गृहों में हत्याकांड मचा रहा, बलात्कार मचा रहा, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको संरक्षण, खुलेआम संरक्षण। जग जाहिर बात है कि नीतीश और ये छोटा मोदी दे रहे हैं बिहार के। इन लोगों को गद्दी से हटाया जाए, ये लोग इस्तीफा दें, ये प्रधान बात है। और अन्य बातों में आ जाइए, जितने भी बालिका गृह हैं 110, उस सब का CBI जाँच हो, ये डिमांड है हमारा। हम ये मांग कर रहे हैं कि CBI जांच कर रहा जो एक ईमानदार पदाधिकारी था मिश्रा GSP, उसको इन लोगों ने, चूंकि नेताओं की ओर उनका हाथ बढ़ रहा था, ये अब बड़े बड़े अफसरों की ओर उसका निशाना जा रहा था, इसलिए उसको रातों रात दो दिन हुआ उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे विभाग में और अपने खास लोगों को ला करके SP बनाया गया, खास करके इस जो जाँच की प्रक्रिया इसको प्रभावित करने का उनका ये मामला है, इसलिए उसका सख्त विरोध हम लोग करते हैं। Max